बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू यू इन एस वी एन मैथ एज दिस प्लेटफॉर्म इज़ अ बेस्ट एंड ऑथेंटिक सोर्स फॉर योर प्रिपेशन आज की वीडियो इंतहाई इम्पोर्टेंट है इस वीडियो में एवरीडे साइंस इंग्लिश के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसमें एंटोनिम भी हैं सिनोनिम भी हैं और कुछ करेक्शन ऑफ वर्ब के क्वेश्चन भी शामिल हैं इसके अलावा इस्लामिक स्टडी के मोस्टली इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो पेपर में एक्सपेक्ट होता है कि पूछे जाएं वो तमाम सवाल इस शॉर्ट सी वीडियो में डिस्कस किए जाएंगे तो आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा फर्स्ट क्वेश्चन आर्ट्रीज बिकम हार्ड ड्यू टू डिपोज़िट ऑफ डैश इन देम कि जो आर्टरीज़ हैं उनमें क्या चीज़ जमा होने की वजह से वो सख्त हो जाती हैं हार्ड हो जाती हैं इसका राइट आंसर है फैट्स इनके जब हम चिकनाइयों का यानी कि ऑयल वाली चीज़ों का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो उस कंडीशन में वो आर्टरीज़ के अंदर डिपोज़िट होती रहती हैं और जिसकी वजह से आर्टरीज होती हैं वो हार्ड हो जाती हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वेन कैद आज़म रिज़ाइन फ्राम इंडियन नेशनल कांग्रेस इसमें हमें ईयर तो इसका याद है कि 1920 में रिजाइन किया था लेकिन साथ में आप डेट भी याद रखिएगा इसका राइट आंसर है थर्टीन अप्रैल नाइनटीन यानी कि कैद अजम ने इंडियन नेशनल कांग्रेस से तेरह अप्रैल 1920 को रिजाइन किया नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन वेरी इंपॉर्टेंट ग्रीन विच एसोसिएटेड विद ग्रीन विच मेन टाइम यानी कि जी एम टी इज सिचुएटेड इन ये जो जी है ग्रीन विच मीन टाइम ये स्टैंडर्ड टाइम जो वर्ल्ड का है वो किस कंट्री से शुरू होता है इसका राइट right आंसर है इंग्लैंड नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल गेम ऑफ जापान जापान की नेशनल गेम क्या है इसका राइट right आंसर है जोडो जापान का कैपिटल हमें पता है जापान का कैपिटल है टोक्यो और जापान की जो पार्लियामेंट है उसका नाम है डाइट जापान की पार्लियामेंट कई दफ़ा पेपर में पूछी जा चुकी है याद रखिएगा जापान की पार्लियामेंट डाइट है ओल्ड नेम ऑफ जापान वेरी इंपोर्टेंट जापान का जो ओल्ड नेम है ये निपोन है और निपोन जो है ये स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जापान की यानी कि ये क्वेश्चन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है ओल्ड नेम ऑफ जापान ये भी निपोन है और निपोन के नाम से ही स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है जापान की और जो स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है उसको इंडाइस यानी कि उसको एक और नाम दिया गया है जिसे निक्की कहा जाता है और जो जापान की करेंसी है ये है यन और जो चाइना है चाइना की करेंसी है युआन दोनों वर्ड्स क्योंकि सिमिलर हैं यन और युआन यन जो होगा ये जापान की करेंसी है और जो युआन होगा ये चाइना की करेंसी है इसके अलावा जापान को जापान इज कॉल्ड द राइजिंग सन इनके जो सूरज है सूरज सबसे पहले जापान से निकलता है इसकी क्या वजह है बिकॉज जापान बींग द ईस्टर्न मोस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, इट हैज़ अर्लीस्ट सनराइज इसकी रीज़न ये है कि जापान जो है ये सबसे ज्यादा जो है यानी कि यह ईस्टर्न मोस्ट कंट्री है मतलब मशरक की तरफ पहला कंट्री जो आता है वो है जापान इस वजह से जो सनराइज है सबसे पहले जापान से निकलता है नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द वर्ल्ड विच इज नियर इन मीनिंग टू द वर्ड परपिचुअल जो वर्ड परपिचुअल है हमने इसका सिनोनिम बताना है जो वर्ड परपिचुअल है ये कहा जाता है दायमी या हमेशा रहने वाला या ख़त्म ना होने वाला इसका राइट आंसर बनेगा इटरनल इटरनल भी कहा जाता है ख़त्म ना होने वाला या दायमी। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ बिजारी जो वर्ड बिजारी है बिजारी कहा जाता है मुनफरद या अंदाज दार में बिल्कुल अलहदा से दिखाई देना उसको कहा जाता है बिजारी इसका रिपीटेड इन एग्जाम पिक द क्रेक्ट वर्ब हिज साइलेंस नेक्स्ट ब्लैंक है ट्रू रिफ्यूजल ऑप्शन है टाटामाउंट इज टेटामाउंट इज टाटा माउंटिंग या टाटा माउंटेड इसका राइट right आंसर है इज टाटामाउंट इस साइलेंस इज टेटा माउंट टू रिफ्यूजल जो वर्ड टेटा माउंट है ये कहा जाता है मसावी मुतराद या बराबर यानी कि हिस साइलेंस उसकी खामोशी इस टेटा माउंट टू रिफ्यूजल इनकार के बराबर है नेक्स्ट क्वेश्चन है वाइट गुड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसका राइट right आंसर है ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स वाइट गुड्स या जिसको हम ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स कहा जाता है इसका मतलब यह है ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स का मतलब यह है कि ऐसी चीज़ें जो ज्यादा अरसे तक इस्तेमाल की जा सकती हैं उनको ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स कहा जाता है जैसा कि घर का फर्नीचर वगैरह या दूसरी अप्लाइंस जो हैं उनको हम ड्यूरेबल कंजप्शन गुड्स या वाइट गुड्स कह सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, Next question है सूरा ऑफ द होली कुरान वाज फर्स्ट टू बी रिवील्ड पहली सूरह जो नाजुल हुई थी ये हमें सबको पता है इसके बाद जो लास्ट सूरह नाजुल हुई है वो भी बता दी जाएगी जो पहली सूरह नाजुल हुई थी उसका नाम है अल अलग और जो अल अलग की पहली पाँच आयात नाजुल हुई थी ये भी याद रखिएगा और जो ये फर्स्ट वही जब नाजुल हुई थी उस वक्त शुरपा सल्लम की एज कितनी थी ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस वक्त आप की एज थी फोटी ईयर्स और जो पहली वही जिसमें सूर्य अलग नाजुल हुई थी ये नाजुल हुई थी माउंट गारे हीरा में यानी कि माउंट हीरा या गारे हीरा में और उस वक्त ईयर क्या था डी ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इसके साथ याद रखिएगा और जो लास्ट सूर्य जो रवील हुई थी उसका नाम है सूर्य अल नसर सुरपा की जो बर्थ ईयर है बर्थ ईयर है 571 मक्का में पैदा हुए थे और 632 थर्टी टू में आप का विसाल हुआ था मदीना शरीफ में, में। मैथ्स का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अ लाइब्रेरी रिसीव्ड एन एवरेज ऑफ फाइव टेन विस्टर एवरी संडे एंड एन अदर डे टू फोर्टी वट इज एवरेज नंबर ऑफ विस्टर इन अ मंथ ऑफ थर्टी डे बिगनिंग विद संडे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि एवरेज फाइंड आउट करनी है हमें एवरेज फाइंड आउट करने के फॉर्मूले को पहले से पता है एवरेज निकालने का तरीकाकार ये होता है कि सम ऑफ ऑल नंबर्स जितने भी नंबर दिए गए होते हैं उन सबको जमा कर लेते हैं और टोटल नंबर से डिवाइड कर देते हैं एवरेज आ जाती है लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्रिक है वो अपने जहन में रखना है ट्रिक ये है कि एवरेज विस्टर जो है फाइव टेन है हर संडे हर संडे को 510 विस्टर आते हैं और जो अदर डेज़ हैं यानी कि सिक्स रेबन्यू डेज हैं उसमें 240 आते हैं तो हमने महीने की एवरेज निकालनी है कि कितने कितने लोग आएंगे और जो महीना है वो उसकी शुरुआत हो रही है संडे से इसके सलूशन पे चलते हैं कि एज मंथ बिगिन विद संडे क्योंकि जो महीना है वो संडे से शुरू हो रहा है तो देर आर फाइव संडेज़ इन अ मंथ तो उस महीने में पाँच संडे आएंगे तो एवरेज निकालने के लिए आपने फाइव टेन यानी कि जो हर संडे पाँच सौ दस लोग आते हैं पाँच सौ दस को फाइव से मल्टीप्लाई कर लेना है क्योंकि फाइव संडे एक महीने में आ रहे हैं और इसमें प्लस कर लेना है हमने टू फोर्टी टू फोर्टी वो डिजिट है जो रिमेनिंग डेज में आते हैं अब पाँच सन्डेज निकालिए बाकी ट्वेंटी फाइव डेज रहेंगे तो टू फोर्टी को ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करवा लेना है और बटे में डिवाइड में हमने थर्टी लिख देना है क्योंकि टोटल नंबर जो हैं वो थर्टी हैं जब फाइव टेन को फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर हमारे पास आएगा पच्चीस पचास और जब टू फोर्टी को ट्वेंटी फाइव से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा सिक्स थाउजेंड दोनों को सम अप किया आंसर आ गया एट फाइव फाइव ज़ीरो और डिवाइड में थर्टी है जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा टू एटी फाइव तो इसका राइट आंसर है टू एटी फाइव नेक्स्ट क्वेश्चन अगेन मैथमेटिक्स का है इफ़ पेंट इज कोडेड एस सेवन फोर वन टू एट एंड एक्सेल इज कोडेड एस नाइन थ्री फाइव नाइन सिक्स देन हाउ वुड यू डी कोड एक्सेप्ट ए डबल सी ई पी टी क्वेश्चन ये भी बहुत सिंपल सा है इसमें भी जस्ट आपने इस ट्रिक को पिक करना है कि पेंट का जो वर्ड है ये इक्वल है सेवन फोर वन टू एट यानी कि इसमें हर अल्फाबेट और हर डिजिट आपस में इक्वल कर देना है यानी कि पी इक्वल कर देना है हमने सेवन के ए फोर के आई वन के एन टू के और टी जो है ये एट के एंड एक्सेल इज़ कोडेड एज नाइन थ्री फाइव नाइन सिक्स इसमें भी वन वन अल्फाबेट को इसके सीक्वेंस के मुताबिक वन वन डिजिट के इक्वल कर देना है तो हमने बताना ये है देन हाउ वुड यू डी कोड एक्सेप्ट तो ए डबल सी ई पी टी ये अल्फ़ाबेट हैं तो एक्सेप्ट का डिजिट के लिहाज से आंसर क्या बनेगा तो हम देखते हैं फर्स्ट ए ए को हमने डी कोड किया पेंट में पेंट में ए आता है ए हमारे पास बराबर है फोर के तो पहला हमारे पास आ जाएगा फोर और इसके बाद है डबल सी सी आता है एक्सल में और सी का नंबर बनता है फाइव के बराबर तो यहाँ पे डबल फाइव आ जाएगा इसी तरीके से हमने ई पिक कर लेना है पी पिक पिक कर लेना है ओ टी पी पिक कर लेना है तो ये हमारे पास राइट आंसर बन जाएगा फोर डबल फाइव नाइन सेवन एट थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो अपनी कीमती राय से एक मिनट में जरूर आगा कीजिएगा दुआ में याद रखिएगा अल्लाह हाफिज